महिला को घर के अंदर अकेला देख दरिंदों ने रेप करने का किया प्रयास। रोने की आवाज़ सुनकर दौड़े पिता के साथ आरोपी ने मारपीट दी, जान से मारने की धमकी। पीड़ित अपने पिता के घर में रहती है अकेले। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस नहीं लगा पा रही बलात्कार व छेड़छाड़ जैसी घटनाओं पर लगाम। पीड़ित ने पुलिस की लिखित शिकायत, पुलिस ने अभी तक नहीं किया दबंग आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही। DIG कानपुर ने कोतवाल घाटमपुर को कार्यवाही करने के दिए निर्देश। कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने DIG के आदेशों का किया दरकिनार। कोतवाल नहीं मानते आला अधिकारियों का कोई आदेश। पीड़ित लगातार आला अधिकारियों ने चौखट के चक्कर लगा रही है। न्याय न मिलने पर पीड़ित ने अधिकारियों के चौखट पर आत्महत्या करने की कही बात। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र एक गांव की घटना। रिपोर्ट बाई संध्या सिंह, समाचार इंडिया न्यूज़ कानपुर। हम यह घाटमपुर कोतवाली आए हैं, क्या मामला है, किस बात को लेकर? हम उनका खाना चाय सब बनाते थे, उनके घर में रहते भी थे और दुकान भी बनवाई है, तो उसमें 70,000 रुपये मेरे लगे हैं। उसमें ये कहने लगे किराए में कटते रहेंगे, तो हमने कहा ठीक है। पापा ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अपना कटते हैं। मगर जब हमने कहा उनसे कि अब धीरे से अब कट जाएंगे, तो वो कहने लगे ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा शाम को चाय बना दो, रोशनी यहाँ बैठी हो। तो हमने चाय बनाने के लिए हम गए अंदर, तो जब चाय बनाने गए तो पीछे जेल के हमको चारपाई में गिरा दिया। मेरा इस तरीके बुरी दशा की है कि हम बता नहीं पाए। लात घूंसे से मारा भी है। कौन है वो? अशोक श्रीवास्तव। इसके बारे में आपने कहीं शिकायत की? शिकायत की हमने यहाँ पे भी घाटमपुर थाने में, कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। हम कहाँ जाएं, बताइए आप लोग। क्या लगता है आपको, क्या वजह है, किस कारण से आपकी सुनवाई? उनकी दबंगई की वजह से कहीं नहीं सुनवाई हो रही है। उनकी दबंगई हर जगह है, सुनवाई इसीलिए नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं क्या लगता है, यहाँ की जो पुलिस है वो क्या आपको न्याय दिला पाएगी? नहीं दिला पाएगी, हमको न्याय नहीं दिला पाएगी। अगर दिला नहीं होता तो 4 दिन से दौड़ा क्यों रही है? न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? हम आत्महत्या कर लेंगे और क्या करेंगे, बताइए। नहीं तो यही पे आत्महत्या कर ले, हम क्या करें, बताइए आप लोग। आज यहाँ की पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? कह रहे समझौता कर लो बस, और क्या करो, घर जाओ आराम से रहो, जाके समझौता हो जाए बस, और कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। जो शिकायत करने आज आप आए हैं, क्या मामला है, क्या परेशानी? मामला यह है मैं कि शाम को 7 बजे इनने मेरी बड़ी बेटी से बोला कि चाय बना रहे। किसने बोला? अशोक श्रीवास्तव ने। अच्छा। जब चाय बनाने गई तो इसको जबरदस्ती कमरे में ढकेल ले गए। हमें पैसों को टूटने की आवश्यकता थी, तो घर में कोई था नहीं, तो हमने सोचे ये होगी, ये अंदर चिल्ला रही थी बचाओ पापा बचाओ पापा। तब मैं दौड़ के गया तो ये बेपर्द चरपैया पे पड़ी थी। इनने हमारी बात मानने की भी धमकाया कि अगर कहीं शोर शराबा करो, फिर भी मैं शोर शराबा मचाया हूँ, हमारी बात का स्वीकार नहीं कोई। तो इसके बारे में आपने अभी तक कहीं शिकायत की? यहाँ आए थे घाटमपुर, इनने हमारी अप्लीकेशन नहीं लिया, 19 तारीख का नहीं लिया, तो फिर हम लखनऊ चले गए योगी आदित्यनाथ के वहाँ बंगले पर। वहाँ हमारी शिकायत सचू ने सुनी है। सचू ने बोला कि जाओ IG को फ़ोन कर रहे हैं, IG के लगे आए, IG उनको किया है। ये हमारी बात को नहीं रखने की जगह हमको एक पर्ची दे दी कि रिवना चौकी चले जाओ। वहाँ गए, वहाँ पर्ची ले लिया, कहे घर जाओ। घर चले गए, ना कोई सुनवाई हुई ना कुछ नहीं, आज मुझे यहाँ बुलाया। अच्छा, तो आरोपी जो है अभी खुले घूम रहे हैं? मिलाकर नहीं, खुले घूम रहे अभी। तो आपने पुनः कोई शिकायत पुलिस से की? किया, DIG को मैंने फ़ोन किया था कल, तो DIG ने इनको भेजा था फिर हमारे यहाँ गांव जांच लेने। ये रहते नहीं कानपुर, रहते हैं। आज घाटमपुर कोतवाली आए तो पुलिस ने क्या बर्ताव किया आपके साथ? बर्ताव किया, मेरा एप्लीकेशन नहीं लिया, कहे घर जाओ समझौता कर लो। क्या लगता है आपको, यहाँ से क्या कार्रवाई का पुलिस? नहीं, हमें नहीं उम्मीद है, इंसाफ नहीं करेगी, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे